रानू मंडल ने किया सारे एहसान लेने से इनकार। जी हाँ, रानू मंडल का स्टेशन पर गाया हुआ एक गाना एक प्यार का नगमा है जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था और अब वे अपने एक नए फिल्म सॉन्ग के साथ काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। उनका यह गाना रिलीज़ होते ही हिट भी हो गया और यह मौका उन्हें हिमेश रेशमिया ने दिया। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म के 3 गानों का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब रानू मंडल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आपको बता दें कि उनके इंडस्ट्री में आने के बाद उनको लेकर रोज़ कोई ना कोई खबर चर्चा में बनी रहती थी। इनमें से एक यह भी थी कि सलमान खान ने उन्हें 55 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया है और लगभग सभी ने इस बात को सच मान लिया था, मगर इस पर रानू मंडल की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। पूछे जाने पर रानू मंडल ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें कोई घर गिफ्ट नहीं किया है, अगर वो घर देते तो सबके सामने बताते। रानू का कहना है कि उन्होंने भी घर मिलने वाली बात सुनी थी मगर भरोसा नहीं किया, और अगर यह बात सलमान खान खुद आकर कहेंगे तो वे शायद मान सकती हैं। वहीं जब रानू से पूछा गया कि वो सलमान खान से उनकी फिल्मों में काम करने के लिए कहेंगी तो इस बात पर उनका जवाब साफ ना में था। उन्होंने कहा कि वे किसी से मदद नहीं लेंगी और ना ही आज तक उन्होंने किसी से मदद ली है। हिमेश ने उन्हें मौका दिया, जो गाना गाया वो हिट हुआ और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वो इस चीज़ के आभारी हैं और रहेंगे भी। खैर, कहना पड़ेगा कि रानू मंडल मीडिया के सामने काफ़ी कुछ कहने की हिम्मत तो रखती हैं। भले ही वे किसी का एहसान नहीं मानती हों, मगर असलियत को कौन पीछे छोड़ सकता है। और आज ये बात सब जानते हैं कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए किन किन ने उनका साथ दिया। तो चलिए, इसी के साथ मैं मनाली लेती हूँ आपसे इजाज़त। बने रहिए हमारे चैनल सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। ऐसी ही कुछ और अनोखी और चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और क्विक अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी टैप करें।